एनआईए होने से जहाँ पे भी हो, फॉरेन कंट्री में भी हो, उसको निकाल के कर सकते हैं। या ऐसे कुछ कर रहे हैं तो कोई वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप का हाथ भी हो सकता है। एक ब्यूटीफुल लड़की होने से पीछे में चार पांच जवान लोग घूमे गए। सर, जैसे उग्रवादियों ने हमारी ही जमीन से हमारे जवानों पर हमला किया, जिसमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर सहित 5 जवान शहीद हो गए, अभी तक सरकार ने क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं, उग्रवादियों के खिलाफ क्या रणनीति बना रही है? देखो, कोई चीज हम लोग बोल भी नहीं सकते। तो सर जी, कुछ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से और स्टेट गवर्नमेंट के मिल के कर रहा है, वो कल्प्रिट लोग जो है वो लोग को पकड़ने के लिए और लीगल एक्शन लेने के लिए जो भी है। तो वो केस को हम, क्योंकि बॉर्डर एरिया के बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम ये केस को एनआईए को सौंपने जा रहा है। अभी प्रोसेस ऑलमोस्ट होने वाला है ख़त्म, एफआईआर वगैरह का रेडी है। एनआईए को हम चिट्ठी लिखने के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को बता दिया। तो इसको एनआईए को सौंप के उसको जहाँ पर भी हो, एनआईए होने से जहाँ पर भी हो, फॉरेन कंट्री में भी हो, उसको निकाल के कर सकते। सर, इस हमले की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मणिपुर में भी चुनाव होना है 2 महीने में, तो ये क्या सरकार को कोई मैसेज देने की कोशिश है उग्रवादियों की तरफ से, ये राज्य को अस्थिर करने की कोशिश है? लगता तो है ही, लेकिन 4.5 साल हो गया एकदम शांत है, और अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो ये ऐसे कुछ कर रहा है तो कोई वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप का हाथ भी हो सकता है वो इसको दिखाने के लिए कि वो है, लेकिन होने नहीं देंगे हम। बीजेपी की 2017 में पहली बार सरकार आई मणिपुर में, 5 साल आपको सरकार चलाते हो गए, आज इस 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जनता फिर एक बार बीजेपी को चुनेगी, क्यों जनता आपको वोट दे? अभी बीजेपी बीजेपी कर रहा है, आप देखा होगा हर एक जगह। अचीवमेंट सर, आप मेजर अचीवमेंट शेयर करना चाहें कुछ? देखो ना भाई, अभी लॉ एंड ऑर्डर, घर में सब सो रहा है। अभी पहले तो माँ लोग, बहन लोग रास्ते पे ग्रुप ग्रुप करके मेरा भाई के हिसाब से रात को आग जला के कौन आएगा, हम लोग को पकड़ेगा, बेटा को पकड़ेगा, हस्बैंड को पकड़ेगा, हमको क्या करेगा। सोता नहीं था, बिस्तर में नहीं सोता था, गेट में सोता था सब। तो आज 4.5 साल से घर में सोया है, ना वन है ना ब्लॉकेट है। एक एक लीटर के लिए आज रात से कल सुबह के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा वो रास्ता पे क्यू में। हाँ, तो एक को देखो, बीजेपी ने क्या नहीं किया? जो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने जो मणिपुर का सबसे साहट, सबसे लॉन्ग ड्यू डिमांड, इनर लाइन परमिट को हम लोग को मतलब सपने में भी नहीं था कि इनर लाइन परमिट देंगे, लेकिन मणिपुर का जो रिक्वायरमेंट है वो सोच के, एक तो बॉर्डर एरिया है, एक तो हम लोग के इंडिजिनस पॉपुलेशन का मतलब नंबर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो यह सब को ध्यान में रखते हुए दे के इनर लाइन परमिट दे दिया। एक ही सीट पर 4-4, 5-5 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, तो ये क्या मैजिक है बीजेपी का? अरे, एक ब्यूटीफुल लड़की होने से पीछे में 4-5 जवान लोग घूमे गए। जी, तो सर, मतलब ये बाद में क्लेशेज नहीं हो सकते हैं? नहीं, किसी को, सबको तो टिकट दे नहीं सकती पार्टी। कुछ नहीं होगा, जो है मतलब ये मोदी जी का वाइब में चला जाएगा, मतलब मोदी जी का नाम पे नहीं, मोदी जी का काम पे है ना, चला जाएगा, आएगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।